दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों वर्ष 2019 के लिए मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों आज हम एक ट्रिक के माध्यम से यह जानेंगे कि किन लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए मिलेगा। दोस्तों ऑक्सीजन के बिना मानव शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों हम सांस द्वारा जो ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन की मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। तो दोस्तों जो ये खोज की गई है इस बार इसीलिए की गई है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वह ऑक्सीजन की ज़रूरत को कैसे महसूस करती है, इसी की खोज करने के लिए दोस्तों इस वर्ष 3 वैज्ञानिकों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ एक वर्ड आया ऑक्सीजन, यानी दोस्तों ऑक्सीजन से हम सह निकालेंगे और सह से एक वर्ड बनाएंगे। सह से दोस्तों हम वर्ड बनाएंगे सर्वांगसम। दोस्तों मैथ का वर्ड है सर्वांगसम और इसका मतलब होता है जो आकृति शेप और साइज में बराबर होती है उन दोनों आकृतियों को हम सर्वांगसम बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 3 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों सर्वांगसम सर यानी दोस्तों सर से हम लेंगे सर पीटर रेडक्लिफ, वा से हम लेंगे विलियम कैलम और गे और सम से हम लेंगे ग्रेग एल सेमेंजा। सर से हमने लिया सर पीटर रेडक्लिफ, वैसे लिया विलियम कैलम, गे सम से लिया ग्रेग एल सेमेंजा। ये तीनों वैज्ञानिक हैं जिन्हें चिकित्सा का नोबल दिया जाएगा। दोस्तों इन 3 वैज्ञानिकों में 2 अमेरिका के हैं जबकि 1 ग्रेट ब्रिटेन के हैं। अब दोस्तों यह कैसे याद रखें इसका भी एक ट्रिक है। दोस्तों पहले जो वैज्ञानिक है सर पीटर रेडक्लिफ, इसमें दोस्तों एक वर्ड आया पीटर। दोस्तों पीटर इंग्लैंड के नाम से एक क्लोथिंग ब्रांड आता है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा पीटर इंग्लैंड। यह एक कपड़ों का एक ब्रांड है जो कि इंग्लैंड का है। तो दोस्तों पीटर यहाँ कहाँ का है, इंग्लैंड का, इसलिए दोस्तों ये वैज्ञानिक कहाँ के हैं, इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के, और बाकी के दोनों वैज्ञानिक यूएसए यानी अमेरिका के हैं। दोस्तों ऐसा अक्सर कहा जाता है कि स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है यानी संपत्ति है, क्योंकि दोस्तों अगर उसकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो वह ज़्यादा मेहनत कर सकेगा और अपने लिए अच्छा कार्य कर सकेगा और अच्छी संपत्ति का निर्माण कर सकेगा। दोस्तों संपत्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसेट। तो दोस्तों ए से हम निकालेंगे एनीमिया, से हम निकालेंगे कैंसर और टे से हम निकालेंगे स्ट्रोक। दोस्तों इस खोज से इन तीनों बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ओनली 2 वर्ड्स में ये जान लिया कि किन किन वैज्ञानिकों को यह नोबेल पुरस्कार मिलेगा और इससे किन किन बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और भी फील्ड के नोबेल पुरस्कारों की चर्चा हम ऐसे ही ट्रिक के साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।